खबर कंट्रोल रूम से आ रही है, जहां पर एसपी राजेश सिंह चंदेल ने गुम हुए मोबाइलों को आज लोगों को वितरित किया। हम आपको बता दें कि जिन लोगों के मोबाइल गुम थे, उन लोगों ने साइबर सेल एसपी ऑफिस में मोबाइल खोने की शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद साइबर सेल ने गुम हुए मोबाइलों में से 36 मोबाइल बरामद कर लोगों को दिए। साइबर सेल प्रभारी एसआई दीपक पालिया, एएसआई प्रवीण त्रिवेदी, प्रधान आरक्षक विकास सिंह चौहान, आरक्षक देवेंद्र सेन, आरक्षक आलोक व्यास कोतवाली से, आरक्षक भूपेंद्र यादव, आरक्षक जलज, आरक्षक दामोदर की अहम भूमिका रही। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने मीडिया से बातचीत में। इसको एक साल हो गया। कहाँ से हुआ था? यहीं बस स्टैंड पे। कितने का मोबाइल था? ये 12,000 का। अच्छा, तो अभी आपको दिया है तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, और ठीक है मोबाइल जैसा, हाँ समथिंग ऐसा ही है। तो क्या पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहोगे? थैंक यू बोलना चाहेंगे उनको। ऐसा आज मोबाइल सामने आया क्या? कुछ संख्या थी इनकी और कैसा उनको लगा? आज हमको गेम में 36 मोबाइल जो पहले लोगों के गुमे हुए हैं, जिसमें सैमसंग, वीवो, एमआई, ओप्पो के खास तौर से फ़ोन हैं, नोकिया के भी एक दो फ़ोन थे, ये बरामद हुए हैं। साइबर सेल में एक हमने विंग रखी हुई है जो ये देखता रहता है कि जो लॉस्ट एंड फाउंड होता है, सेल के रूप में काम करता है। तो लगातार कोशिश करते रहते हैं कि कोई अगर फ़ोन का इस्तेमाल करता है तो हमको पता लगता है। इनमें से कई सारे लोगों को बस स्टैंड या चलती फिरती जगह पर जहाँ पर क्राउड रहता है वहाँ से गए। एक व्यक्ति ऐसे भी मिले हैं जिनका कोविड में भर्ती थे और वहाँ से मोबाइल उनका चला गया था, कहीं उनको पता नहीं लगा था। तो ये 36 लोगों के भी आज मोबाइल दिए जा रहे हैं, और हम ये लोगों को थोड़ा सा जागरूक भी करना चाहेंगे। अगर कोई मोबाइल गया है तो बताएंगे, तो हम कोशिश करके अगर उनका मोबाइल मिल सकता है तो उसकी पूरी कोशिश शिवपुरी पुलिस करे। मोबाइल लेने आए थे। मोबाइल मिल गया आपका? हाँ जी। ये खोया था या चोरी हुआ था आपका? खोया था मेरा। कब खोया था? ये 26 जुलाई 2020 को खोया था। तो आज जो आपको मोबाइल मिला है वो किसी हालत में आपका? सही है जो आपने खोया था? खोया वैसे ही है।